हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टाइटेनियम की न्यूज एंड अपडेट। आपको जैसे मालूम पड़ा होगा कि टाइटेनियम कॉइन हैक हो चुके हैं। 4 से 5 दिन पहले कंपनी ने अपने फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे अनाउंस किया था कि जो भी उनके टाइटेनियम टोकन है वो हैक हो चुके हैं। उसकी अपडेट देने वाले हैं आपको। ये कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है, क्या क्या चीजें अपडेट है, हमें क्या करना चाहिए। अब कॉइन हैक हो गए तो हमारे टोकन का क्या होगा, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर हम देखें कॉइन मार्केट कैप पे इसका रेट हाफ चल रहा है तो इसका क्या रीजन है, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको जानना है तो एंड तक हमारा वीडियो वॉच करते रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, इंटरनेट इनकम को इस रेड बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें हमारे सारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन है, वो सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं, पहले पहला पॉइंट लेते हैं कि टाइटेनियम कॉइन हैक हो चुके हैं। आप इनका वेब फेसबुक पेज पे पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरा बताया कि टोकन पे हैक हो चुके हैं। इन्होंने डिसीजन लिया है कि आईसीओ के अंदर जो टोकन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो हैक हो गए। और अब हमें क्या करना है, इनके जो वॉलेट में थे, इनके पास जो टोकन थे वो हैक हो चुके हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूरा ये बताया कि ये टोकन को रिप्लेस कर रहे हैं। जो इनका जो टोकन का शॉर्ट फॉर्म है, आप कोई मार्केट कैप वगैरह पे देखोगे तो टोकन का शॉर्ट फॉर्म है बार। अब इन्होंने इस बार को चेंज करके अपने ये टोकन को ये रिप्लेस कर रहे हैं और 1 मार्च तक ये रिप्लेस हो जाएंगे। आप पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि समरी के अंदर। और इसका जो टोकन का नाम होगा नया, वो टी बार होगा, ठीक है। इन्होंने पहला ये चीज दिया था, फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड, यहाँ पर इन्होंने सेकंड अपडेट दिया था, डोंट पैनिक, आपको वेट करना है इन्फॉर्मेशन के लिए, पैनिक नहीं होना, इसलिए इनका रेट डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंजेस के बारे में बताया, कौन कौन से एक्सचेंज पे आने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर इन्होंने बताया कि फिर इन्होंने गुड न्यूज दी कि हम टाइटेनियम, किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लिखा है यहाँ पर, जो भी आपके पास बार है, जो टोकन है ERC-20 पे वॉलेट में हो, चाहे वो आपका वॉलेट मेटामास हो, चाहे आपका कोई भी वॉलेट हो, उसके अंदर आपको रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है। और वो ऑटोमेटिक आप जो बार टोकन है वो ऑटोमेटिक आपके रिप्लेस हो जाएंगे। इन्होंने लिखा है यहाँ पर, देयर इज नो नीड टू एनीथिंग एनीथिंग एज, आपको बस ओनली डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करना है 24 से 48 आवर्स का, जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताया कि एनीवन हु यूज, जिन लोगों ने यूज किया एक्सचेंज एड्रेस, एक्सचेंज यूज किया है, अगर आपने शायद बिट्रैक्स से पेमेंट भेज दिया है या फिर आपने पोलोनिस वगैरह किसी अदर एक्सचेंज से पेमेंट भेजा है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, बाई करते टाइम, इन्होंने ये फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है। और ये फॉर्म इन्होंने बताया ओनली फॉर उन लोगों के लिए बताया जिन्होंने गलत यहाँ पर एंटर किया था। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बाई करते टाइम, यहाँ पर जो भी माई इथर वॉलेट को यूज कर रहा था उस टाइम, जब टोकन आईसीओ का फेज चल रहा था, तो माई इथर वॉलेट में हैंड टू हैंड आ रहे थे, पर काफी लोगों ने बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, अदर पेमेंट गेटवे यूज करे थे, उनको लेट मिले थे। पर काफी सारे लोगों ने अदर एक्सचेंज भी यूज किए थे, बात करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज, बिट्रेक्स एक्सचेंज, प्रोसेसिंग पेमेंट सेंड करने टाइम। तो उन लोगों के लिए इन्होंने बोला है कि आपको अपना ईमेल आईडी और आपने जो ये परचेज की है इसमें यस, और यहाँ पर बताया कि जिस भी एक्सचेंज से भेजा है उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, और आपको आपके इथेरियम का एड्रेस, व्हाट इज योर ओल्ड इथेरियम एड्रेस, ये फिल करना है आपको। और कुछ इशू है आपको तो ये इशू भी यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये सारा इशू वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं। तो आप लोगों को वेट करना है, 1 मार्च तक का हम सभी लोगों के टोकन रिप्लेस हो जाएंगे, जो इनके जो शॉर्ट फॉर्म है बार वो हटके हमें ये टी बार टोकन हो जाएंगे। तो हमें वेट करना है। उन्होंने बताया कि आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए इनका ट्विटर फॉलो करना है, तो ट्विटर का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। देखिए ट्विटर का लिंक उन्होंने दे रखा है, ये आपको फॉलो करना है और अपडेट दे देंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सचेंज पे ये आ गया है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे एक्सचेंज पे ये आ गया है। कोई मार्केट कैप पे आप देखेंगे रेट हाफ चल रहा है, ये हैक होने के कारण ऐसा रेट, नहीं तो रेट का 2.5 से 3 डॉलर अप हो गया था। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आईसीओ के अंदर हमने फेस किए, आईसीओ में बाई किया है, तो हमने क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं। आज हमने बाई किए टोकन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आपने बाई किया तो उसको कम से कम 6 मंथ से लेके 1 ईयर आपको होल्ड करना है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाई करें तो वो 6 मंथ या 1 ईयर तक ही आपको प्रॉफिट देके जाएगी। तो हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, डेफिनेटली हमको काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्केट पे क्लिक करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे ये लिस्टेड हो गया है।
आईडेक्स के लिए वीडियो हमने बना रखा है, हिट बीटीसी भी हो गया है, फोर्ड डेल्टा पे भी हो गया है, टाइडेक्स पे भी हो गया है, काफी सारे एक्सचेंज पे हो गया है ये। अगर इन एक्सचेंज की आपको वीडियो चाहिए, हेल्पफुल वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको आईडेक्स का और हिट बीटीसी का वीडियो मिल जाएगा। टाइटेनियम टोकन बाय करने का सोच रहे हैं तो 1 मार्च के बाद इनका अनाउंसमेंट आने दीजिए, उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंजेस को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको अपडेट दे दी सारी, इनके टोकन इनके टाइटेनियम हैक होने से लेकर अभी इनके टाइटेनियम हैक होने से लेकर अभी के लेटेस्ट अपडेट तक, इनकी फेसबुक पेज, ट्विटर की अपडेट और कौन कौन से एक्सचेंज पे ये लिस्टेड हुआ है, सारी अपडेट हमने आपको दे दी। कुछ भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।